तो भाई अब यहाँ पर हमारा सोया कीमा भी लग चुका है और बहुत सही तरीके से इसका प्रेजेंटेशन। हमें थोड़ा आगे बढ़ाइए क्योंकि हमारा तो पहली बार इंटरव्यू है, मतलब पहला इंटरव्यू है जमील भाई के लिए। हमारी किस्मत है कि मोहसिन भाई हमारे पास आए, तो वो हिसाब से थोड़ा आप। हाँ तो भाई, ट्रैवल करते करते रात को 11 बजे लग गए मुझे भूख और विरार टोल नाके पर दिख गए मुझे मैक्सिस वेज रेस्टोरेंट और यहाँ पर मैं खाना खाने वाला हूँ। ट्रक लेकर आएंगे तो यहाँ पार्क करके आप यहाँ पर बैठ के आराम से खा सकते हैं और फैमिली लेकर आएंगे तो यहाँ पर आप आराम से बैठ कर खा सकते हैं। एक बजे तक ये रेस्टोरेंट चलती है। रात के 11 बज के जा चुके हैं और मैं यहाँ पर अपनी भूख मिटाने के लिए होटल मैक्सिस प्योर वेज रेस्टोरेंट में आ गया हूँ जो कि विराट टोल नाका के पास है। और मेरे साथ है, आपका नाम है? जमील। जमील भाई है, जमील भाई प्योर वेज है यहाँ पे, लेकिन मेरे को कीमा खाने का मन हो रहा है। क्या वेज कीमा? मैंने सुना है बहुत फेमस है। बहुत बहुत फेमस। अच्छा, क्या है वेज कीमा? सोयाबीन का बनता है, सोयाबीन उसके अंदर सोया आता है। अच्छा, मटर आता है उसमें। ऐसे मजा नहीं आने वाला, बताना पड़ेगा, बना के बताओ। अच्छा, कितने का आ जाएगा यहाँ पे? ये है ना, ये देखो सब सामग्री इन्होंने रखी है और हमारा वेज कीमा, हाँ वेज कीमा है 170 रुपीज़। चलिए जमील भाई, कितने साल का एक्सपीरियंस है? 25 साल। चलो स्टार्ट करो, आराम से बनाना, मैंने देखा बहुत फास्ट बनाते हो। ये क्या, ऑयल ले लिया सबसे पहले? तेल कितना लेना? आधा चम्मच। उसमें जीरा डालो, थोड़ा तेल गरम होने के बाद जीरा डालो। तेल गरम होने के बाद जीरा डालो। जीरा डालो, ये प्याज हमने डाल दिया, थोड़ी हरी मिर्च डालो, थोड़ी हरी मिर्च। अच्छा, ये प्योर वेज है यहाँ पे, नॉन वेज कुछ नहीं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। बड़ा अच्छा लग रहा है। हल्का सा थोड़ा ब्राउन करो, ये हल्का सा ब्राउन करना है इसे, भूनना है इसे। ये अभी ब्राउन हो गया है पूरा। हल्का टमाटर डालो, दो तीन पीस। हल्का सा दो तीन पीस आपने टमाटर डाल दिया। ये जो होता है ना, मैंने ये सुआ, ये सुआ की भाजी, सुआ की भाजी, ये कड़वी होती है ना? कड़वी नहीं होती है, ये खीमा की जान है। अच्छा, खीमा की जान है ये। अच्छा, खीमा की जान है सुआ की भाजी। और ये क्या डाला आपने? और वटाना, मटर डाला, मटर मटर डाला है। ये लहसुन पेस्ट दिखा दीजिए, अदरक लहसुन पेस्ट है कि लहसुन पेस्ट? अदरक लहसुन और हरी मिर्च तीनों मिक्स है। अदरक लहसुन और हरी मिर्च तीनों मिक्स। और क्या क्या मिलता है होटल मैक्सिस में, चलिए दिखा देता हूँ मैं आपको। और ये पंजाबी, काठियावाड़ी, जैन, साउथ इंडियन सब मिल जाता है। क्या टाइमिंग है वैसे यहाँ का? सर सुबह 6 बजे से स्टार्ट है होटल, खाना चालू होता है 10 बजे, 10 से 5 शाम को। सर इसमें थोड़ा पानी डालिए। पानी? सर नहीं, मोहसिन भाई बोल दीजिए तो अच्छा अपनापन आ जाएगा। सर कहाँ बुला रहे हैं आप? मोहसिन भाई पानी डालिए इसमें। अब लेना है खीमा। अच्छा ये बता दीजिए, हाँ ये क्या है एग्जैक्टली? पहले एक बार हाथ में दिखा दो। ये वेज खीमा है, लेके दिखा दीजिए। सोयाबीन जो होता है ना, गोल वाला, बड़ा वाला सोयाबीन, उसका खीमा है ये। अच्छा, सोयाबीन का, सोया चंक्स है। इसको भिगो के रखें कि साधा है? नहीं, ये कच्चा है। ये कच्चा है? कच्चा है। भिगोना नहीं है? नहीं, भिगो भी सकते हैं, भिगा भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भिगा भी सकते हैं, भिगा के रखो। अगर भिगा के रखोगे तो पानी डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, समझ गया मैं। ओके, बिल्कुल समझ गया। और ये कितने मात्रा लिए आपने? एक डिश के अंदर थोड़ा ही लेना चाहिए। अच्छा, दो मुट्ठी, ये फूक जाने वाला लगता है। पर मेरे हिसाब से पानी डाल के अगर आप मिक्स करो तो और मसाला एकदम फ्लेवर एकदम मस्त। नहीं सर, ये पानी पी जाएगा, है ना, तो वो मसाले का भी फ्लेवर पी जाएगा। और क्या, मैंने जो सुवा डाला है वो भी पक जाएगा। अब इसमें डालना है हरी मिर्च, हल्दी, हल्दी हल्की सी हल्दी डाली आपने, गरम मसाला पिसा हुआ, पिसा हुआ गरम मसाला। ओके, हल्का सा धनिया पाउडर, हल्का सा धनिया पाउडर, नमक डालना है, नमक स्वाद। ये जो है ना, ये कसूरी मेथी है, कसूरी मेथी जी, थोड़ी डालनी है। और ये कितने देर तक ऐसे पकाना होगा इसकी? बस ये 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट में तुम्हारा कीमा रेडी। और टेस्ट वाइज ये रियल कीमा जैसे लगते हैं? रियल 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 कीमा, इसीलिए फेमस। मटन भूल जाओगे? हाँ, रियल कीमा इसीलिए फेमस है। तो ये खाना कैसे, पाव के साथ खाना है? नहीं, कोई पाव के साथ खाता है, नॉनवेज होता है तो पाव होता है। हाँ। बाकी रोटी के साथ, रोटी के साथ ज़्यादा मजा आएगा। हाँ। नॉनवेज होता है तो पाव के साथ मजा आएगा।
ये रेडी हो गया, हल्का धनिया डाला। अच्छा, हल्का सा आपने धनिया डाला। धनिया डाला, ये अभी रेडी हो गया सर। ये रेडी हो गया? हाँ, ये रेडी हो गया, आप खा सकते हो। अच्छा, मैं देख रहा हूँ सूखा सूखा है काफी आपने। तो जमील भाई हैं, इन्होंने अपना 25 साल का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है, जिसके लिए आपको इनको लाइक और थैंक्स करना होगा। जमील भाई, थैंक यू सो मच। ये ड्राई वाला कीमा आपने बताया हमें, ड्राई वाला, और ये वेजिटेरियंस के लिए बताया है, ये प्योर वेज है। अच्छा, ये अभी रात को क्या टाइम हो रहा है? हम लोग 11 बजा हुआ। हाँ, 11 बज के गए। देखो, 11 बज के हाईवे हाईवे पे रुक के आपके लिए रेसिपीज कवर कर रहे हैं, तो इस वीडियो को शेयर करना होगा। जरूर जरूर जरूर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। कमेंट कीजिएगा और हमें थोड़ा आगे बढ़ाइए, क्योंकि हमारा तो पहली बार इंटरव्यू है, मतलब पहला इंटरव्यू है जमील भाई के लिए। हमारी किस्मत है कि मोहसिन भाई हमारे पास आए, तो वो हिसाब से थोड़ा आप लाइक और कमेंट शेयर। इनका नंबर भी मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे डाला, जमील भाई के लिए बिल्कुल आपको कमेंट करना होगा। और कौन है यहाँ पे? ये मेरे छोटे सेवे, मतलब मुझे मेरे हेल्पर है, मेरे हाथ के नीचे काम करते हैं। हाथ दिखा दो, हाथ दिखा दो। ये शेफ टीम है और आप? ये मेरा मैनेजर है। अच्छा, मैनेजर, इतने यंग से मैनेजर है। और चलिए अब बाइट लेते हैं, और जैसे कि हमारी प्रथा है, सबसे पहले ऑडियंस को खिलाते हैं। आ करिए, आ आ आ आ। चलिए, मैं खा लेता हूँ। सोया कहीं पहले तो मैंने खाया है, पहली बार ट्राई कर रहा हूँ यहाँ का। अगर आप पहले मटन कीमा खा चुके हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप मटन कीमा ही खा रहे हैं, बहुत बढ़िया है, वैसे ही आपने लगाया है। और आपने वो क्या भाजी डाली थी? सुआ। वो जो सुआ की भाजी है, उसका टेस्ट आ रहा है ये में। हाँ, उसके अंदर ये सुआ मेन होना जरूरी है। अच्छा, अगर खीमे के अंदर सुआ नहीं होएगा तो कोई मतलब नहीं है। अच्छा, सुआ होना जरूरी है। अच्छा, तो सुआ का जो फ्लेवर है ये बहुत बढ़िया आ रहा है, और ये रोटी और पाव के साथ बहुत बढ़िया लगने वाला है। वो बिजी है किचन, तो वो लोग जा रहे हैं, लेकिन यहाँ मजा आ गया। आप जभी भी आएंगे यहाँ पर आइएगा, जमील भाई के हाथ के खाइए। अगर आप मार्केट में सुआ अगर लेने जाते हैं, तो सुआ अगर मार्केट वाला समझता नहीं है, तो उसको बोलो कि शेपू दो मुझे। शेपू हिंदू? हाँ, शेपू 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 मराठी वर्ड, शेपू मराठी वर्ड। हाँ, शेपू मेरे को पता है। तो शेपू के बिना ये वेज कीमा सुना अधूरा है। हाँ, बिना अधूरा है। और यहाँ पे आइएगा आप, होटल मैक्सिस वेज रेस्टोरेंट में जरूर ये वाला कीमा खाइएगा, और बाकी सारे कीमा को भूल जाइएगा। और एक मजा आ गया, थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, चैनल का टेक केयर करिएगा।